अगस्त ऋषि द्वारा लिखी कुछ सच्ची बातें। दक्षिण तमिलनाडु में 5000 साल पहले तमिल लोगों द्वारा एक बनाया गया खास वीरों का खेल सिलिम्बाम यानी लाठी का खेल, यह ऐतिहासिक है। यह दक्षिण पोंडिघई वैद्य योगा जड़ी बूटी की दवाई के बारे में जानने से पहले का है। इससे पहले ये खेल सीखे थे, ऐसा इतिहास में लिखा है। जब वो तपस्या में थे उस वक्त जानवरों से खुद को बचाने के लिए इस खेल का इस्तेमाल किया करते थे। तब से ये खेल तमिल लोगों की हिफाजत के लिए बना, वीरों का खेल माना जाता है। तभी से ये वीरों की हिफाजत के लिए बना वीरों का खेल माना गया, जो आज तक चला आ रहा है। ये सिर्फ वीरता के लिए ही नहीं, उनकी मान मर्यादा की पहचान का भी है। और इस खेल की परंपरा को मक्खन लाल के बाद मोहन राम सिंह ने संभाला है। फूल और कच्चे 2 एकड़ कापूस के जंगल की कीमत 2000 से भी कम है तो वो जंगल से क्या बेचेगा, बताओ। तुम्हारे जैसे लोग वैसे भी क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह अपनी जिंदगी तो जीना है। बारिश के भरोसे जिंदगी काटता है एक किसान। ये किसान ठीक से खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं और फसल की सही कीमत भी ना मिलने से हमारे देश में हर साल 15,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारा परिवार भी खुदकुशी करेगा। तुम जानते हो अपनी पत्नी के जेवर बेचकर 50,000 से इसने खेती बाड़ी की थी और तुम लोगों ने इसकी फसल बर्बाद कर दी। इस परिवार को वापस रास्ते पर लाने के लिए तुम्हें 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, वरना 10 बकरी देके जाना। 1 किलो बकरी के मांस की कीमत क्या है जानते हो? कश्मीर से कन्याकुमारी तक 500 रुपए किलो मिलता है। मेरी हर एक बकरी का वजन 20 से 30 किलो होगा। आप मनमानी करके 10 बकरी देकर जाना कह रहे हो? चाहो तो मैं 2,000 रुपए दे सकता हूँ बस। तेरी तो तू पंचायत के खिलाफ बात कर रहा है। सुनो, इसकी सारी बकरियों पर कब्जा करके हमारे यहाँ बांधो। मेरे बकरों को जवान होने दीजिए, उनसे टकरा कर कोई जीत गया ना तो 10 बकरी के अलावा एक और बकरी दूंगा। बोलो, मंजूर है क्या आपको? ए, 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 ए। तुमसे टकराना या तुम्हारी बकरियों से टकराना है? ले आ अपनी बकरियां। ये आ गया मेरा शेर। ए, ले आओ अपनी बकरी को। ए, हटो हटो हटो। सर का मांस मेरे लिए होगा। हाँ, बकरियों को ले आया। अरे, इस बकरे में तो फुल कोलेस्ट्रॉल भरा पड़ा है। ये कम कोलेस्ट्रॉल चलेगा। ओ। ए, क्या है बोलो। तुम्हारा भाई बकरे के साथ टकरा कर उससे लड़ेगा। लड़ाई करेगा। अरे सुनो, अरे सुनते हो? अरे सुनो गांव वालों, अरे सुनो, अरे सुनो 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 तो सही। कुछ बोलेगा? भूल गया था मैं। वो आपका बेटा मोहन राम सिंह बकरे से लड़ रहा है। चलो, भूल लड़ रहा है। हे भगवान। अरे मेरे बच्चे। मसाला तैयार कर लिया ना माँ? ये क्या है जी? आराम से तमाशा देखो, घबराना। पापा से सर टकराएगा। अरे वाह। ए दोना मेरी नोट बुक दोना। ए, छोटे बच्चे से क्या टकराते हो? तो मुझसे टकराओ। नहीं सर, टकराओ मुझसे। आ!
शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। जो भी यहाँ मुझसे है लड़ा, सब में जमीन पे वो है बड़ा। जो भी यहाँ तुझसे है लड़ा, सब में जमीन पे वो है बड़ा। ऐसे वर तेरे हटके उठाग जिसे पटके, पूछो पिताब देके तू जिए सर उठाके। शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। माने मुझे अपना, सभी जाने मुझे अपना, सभी जाने मुझे। गाँव में सभी माने मुझे अपना, सभी जाने मुझे अपना, सभी जाने मुझे। रंग ढंग अपना जुदा, प्यार सबका मुझे मिला, प्यार सबका मुझे मिला। धन जो मैं हूँ लेता, करके मैं वो दिखाता, करके वो तू दिखाता। वक्त भी मैं लड़ जाता, कभी न मैं हूँ घबराता। वक्त भी मैं लड़ जाता, कभी न मैं हूँ घबराता। शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। पीछे कभी तू न हटा, एक बार तुझे डटा। जो भी तुझसे है लड़ा, जो भी तुझसे है भिड़ा, पत्ता उसका है कटा। किसका पत्ता कटा? किसका पत्ता काटने की बात कर रहा है? क्या रे, बता रे। बुद्धू है बुद्धू, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बात का पतंगड़ बना रहा है तू। चल पागल। रे दिखला हमें, दिखला हमें, दिखला हमें, दम कितना है तुझ में। सिद्ध करके, सिद्ध करके दम तू दिखा कितना है। हमसे जरा नजर मिला, हमको भी कहते हैं भला। हमको जीत के तू दिखा, अब दिखा, अब दिखा। है क्या जान लो, हमें जरा पहचान लो, हमें जरा पहचान लो। बच ना सके कोई भी हो, जब तीर हम मारे तो, जब तीर हम मारे तो। पूरा पश्चिम उत्तर की शान है हम दक्षिण की, शान है हम दक्षिण की। प्यार करना भी जाने, रिश्तों में बांटे खुशियाँ, रिश्तों में बांटे खुशियाँ। सबको आज ये बता दो, सबको आज ये दिखा दो। सबको आज ये बता दो, सबको आज ये दिखा दो। शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। जो भी यहाँ मुझसे है लड़ा, सब में जमीन पे वो है बड़ा। जो भी यहाँ तुझसे है लड़ा, सब में जमीन पे वो है बड़ा। ऐसे वर तेरे हटके उठाग जिसे पटके, पूछो पिताब देके तू जिए सर उठाके। शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। क्यों गणेश भैया? एक दिन सबक सिखाऊंगा। ए, मैं दो दिन गांव में नहीं था तो गांव में पंचायत बिठा दी तुम लोगों ने, और तूने उस बकरे को मार डाला। हा? तो क्या हुआ? ब्लू क्रॉस को बता दिया तो तेरी हड्डी तोड़ देंगे। पंचायत ने फैसला किया था तभी मैंने बकरे को मारा। पंचायत? अबे मुखिया को मरे 20 साल हो चुके हैं। मुखिया की एक्टिंग करने वाले सारथी कुमार, विजय कुमार, विनय कुमार, ये सब तो लोटा फेंक कर दूध देने का वादा करके चुपचाप घर में बैठे हैं। समझ गया? तेरे पिताजी क्या गांव के मुखिया हैं, या किसी कोर्ट के वकील है, या तेरी माँ ज्यादा पढ़कर एग्जाम देकर मदुरई हाई कोर्ट में जज बन गई है? इस गांव में शादी, बगनी, मौत का कोई भी कार्यक्रम मेरी परमिशन से ही होगा। जा अपने बाप से बोल दे कि पंचायत करना और मस्ती करना छोड़ दे, चुपचाप घर में बैठे, वरना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे क्या भाई गणेश, दरवाजे में लगाने वाले पेंट को इस तरह मुंह में डालकर क्यों लेटे हो? लग रहा है कि मुंह में पाइल्स हो गया है। अब पाइल्स मुंह में नहीं होता बे, ये सब तो उस मक्कन लाल के पिल्ले की मार है बे। ए छी, अभी अभी तुमने इसी किया है। तुम फोन कट करो, मैं घर जाके तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? आ गई।
क्यों रे, बकरे का मांस खाई अच्छा लगा क्या? तुम तो बहुत खाई हो। मैं भी तो तुम्हारे रिश्तेदार का बेटा हूँ, और जरूरत हो तो बताना, मेरे पास 2000 बकरियाँ है। सुनो, हम भी बकरे के मांस के पीछे पागल नहीं है, शिकार करके मांस खाते हैं। अगर ये बात मेरे भाई को पता चली ना, तो जैसे बकरे का चमड़े उतारते वैसे तेरी उतार देगा। चल हट, भाई को बताएगी, ज्यादा मैं तो बता। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? भैया, वो बदमाश आदमी मुझ पे पेपर से हवाई जहाज बना के फेंक रहा। गाड़ी पे बैठ, बोला ना गाड़ी पे बैठ। हमारे सामने पैदा हुए लोग हमारे कुल देवता बन रहे हैं। अरे वापस लड़ाई, अरे बाप रे, अरे फिर से लड़ाई हो रही है। वो पैसे कब दे? अरे लड़ाई हो रही है, अरे चाचा मोहन राम सिंह और बरमाल पांडे की लड़ाई हो रही है। क्या कह रहा है? मुझे क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है। आओ आओ, मेरी बेटी पर हवाई जहाज फेंका, ले काट उसे। अरे लेकिन उसे इतना क्यों मार रहा है वो? चल चल, अंदर है पिताजी। सीआईडी की तरह दरवाजा तोड़ दो, उसके बाल पकड़ के लाओ। अरे बिजली का बिल नहीं भरा क्या? इतना अंधेरा क्यों है? क्या हुआ बेटा? वो अंदर नहीं है पिताजी। चलो चलो, उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे चाचा उसे मत मारो। अरे चाचा पैर लंबे है तो इतना तेज दौड़ रहे हो, परिवार के साथ दौड़ क्यों रहे हो ये तो बता दो। अरे चाचा, पकड़ो। क्यों धोती खुल रही है क्या? इससे काम नहीं चलेगा, सामने वाले से 10 रुपए के पेपर लेके। ठीक है ठीक है, जाके जल्दी लेके आ। अरे 10 रुपए के पेपर के लिए 500 रुपए का नोट दोगे तो कैसे चलेगा? वो देगा नहीं ना चिल्लर मेरे को। जाने का बोला ना, तोड़ दो उसकी छत। ए भाई जल्दी करो, 500 रुपए के पेपर दे दो। हाँ दे दो, जल्दी दो, अभी देता हूँ। ये लो। हाँ तुम भी अपना मन पढ़ाई में लगाओ, तेरा घर भी ना खपरेल से ही बना होगा ना, आके तोड़ता हूँ अभी परिवार के साथ। ए ये मेरे को पढ़ने के लिए बोल रहा है, इसका घर तोड़ना है। ये ले, क्या चाचा? माइकल सेमी को फोन लगा। क्या बोले? माइकल सेमी फिल्म स्टार, उसको फोन करना है? नहीं रे, साइंटिस्ट माइकल सेमी को फोन लगा और एक रॉकेट बनाने को बोल। अपनी सारी जायदाद बेचकर वो रॉकेट खरीद के इसके घर को उड़ाऊंगा, उसका घर चूर चूर हो जाएगा, तब पता चलेगा रॉकेट फेंकने का अंजाम। चाचा सच में रॉकेट बनवाओगे क्या? हाँ रे सच में रॉकेट बनवाऊंगा, तू चल। कोई एम्बुलेंस को फोन करो यार। बेटी मेरे पति ने गलती कर दी है भाई साहब, आपसे दुश्मनी करके हम इस गांव में नहीं रह सकते, उन्हें कुछ मत करिए। सुनो बेटी, ये मक्खन लाल का घर है, इज्जत चली गई तो हम भी जी नहीं पाएंगे, हम जान देकर भी इज्जत बचाते हैं, परिवार की इज्जत बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वंश हमारी बात से डरता है लेकिन हम किसी से नहीं डरते। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी भाई साहब। आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो तेरा सर जमीन पर मिलेगा। ठीक है ठीक है, इसने आकर माफी मांग ली है। माफी मांग लेने से इसके पति की हुई गलती की सजा मिल गई क्या? उसका सिर झाड़ से अलग करके बिरयानी बना के लोगों को बांटना पड़ेगा। क्या रे, सिर काट के जेल जाना चाहता है तू? क्या भाई, ये तुम्हारे पिताजी किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये मुझे जेल भिजवाएंगे? इनका दिल तो इनकी मूंछों से भी ज्यादा बड़ा है। हाँ ऐसा ही है, जाके गर्म पानी रख दे। कैसे जा सकता हूँ, इसके पति की हुई गलती? गर्म पानी चाहिए ना। अब जाके तैयार करता हूँ। सुनो बेटी, आग से जो घाव लगता है वो जहर नहीं फैलाता, मैं तो भूल ही गया था। तुम जाओ अपने घर जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। क्यों माफी मांगने गई थी पागल? मक्खन लाल से माफी मांगने की बजाय चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। रिश्तेदार और चाकू की धार दोनों कभी भी चोट पहुंचा सकते हैं। किसी ना किसी दिन उस मक्खन लाल की मौत मेरे हाथ से होगी, समझी कि नहीं समझी तू?
स्टील का डिब्बा जरूर चोरी करना पड़ेगा। मसाला पाउडर के लिए स्टील का डिब्बा नहीं खरीद सकते। तुमसे शादी करके मैंने गलती कर दी। रात में दिया जलाने के लिए तेल नहीं और दिन में खाना बनाने के लिए तेल नहीं। नसीब भी खराब है मेरा। तुझे टाटा बिरला या अंबानी के घर में शादी करनी चाहिए थी। ट्रक भर के बर्तन आ जाते तेरे पास। डिब्बा चाहिए ना? अपने आप को गिरवी रख दूं चाहे लेकर आऊंगा। इस स्टील के डिब्बे को तो चुराना ही पड़ेगा। यात्री अपने सामान का ध्यान खुद रखे। सुन मेरी मोटी, तेरी चाहत तो पूरी हो गई, अब मेरी चाहत भी पूरी होनी चाहिए। ये सेटिंग करके कहाँ ले जा रहा है? हाँ? अरे ये लोग रिवर्स क्यों जा रहे हैं? नया बटन आ गया। अपना काम तो हो गया। अरे कैसे इस डिब्बे को लेके उतरूं? ये कैसा गांव है? चोरों से भरा पड़ा है। चलो उतरो उतरो, जल्दी उतरो, उतरो उतरो उतरो। कहीं पकड़ तो नहीं लेगा? चलो उतरो। जिंगल जिंगल ओरिजिनल। तो कुल मिला के ये स्टील का डिब्बा मेरे पास आ गया, लेकिन कहाँ से लिए, बिल कहाँ है? ऑडिटर की बेटी की तरह 10 सवाल करेगी मोटी कहीं कहाँ। ऐसे में स्टील मार्ट यहाँ से डिब्बे का रेट पता कर दूंगा। भाई साहब नमस्ते। आओ शेर सिंह, क्या हाल है? ये स्टील के डिब्बे का कितना रेट होगा ये जानना चाहता था। ये जिसका है उसको रेट मालूम नहीं है क्या? अरे जब दुकान में तुम्हारी पत्नी बैठी थी तब मेरी पत्नी खरीद कर ले गई, इसलिए पूछ रहा हूँ। 100 रुपया कमीशन दोगे तो बताता हूँ। तो तुम जिस औरत को उसके बारे में तुम्हारी औरत को बता दूं? इसकी कीमत 100 रुपया है, जाना यहाँ से। अब कैसे सीधी तरह रेट बताया? उस औरत के तो पूरे कब्जे में है ये। मैं आग हूँ, मुझे छेड़ेगा जो वो जल जाएगा। छेड़ के दिखा। अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये सिल्वर का डब्बा तो एकदम नया लग रहा है, आज तो भाभी खुश हो जाएंगे। अरे तुम भी तुम्हारे पिताजी की तरह मजाक करते हैं। चलो ठीक है मैं चलता हूँ। कहाँ जाना है? भाई को बैठो, छोड़ दे। बात दरअसल ये, हाथ पैर टूट जाए तो चलेगा, पर इस स्टील के डब्बे को कुछ नहीं होना चाहिए, बीवी नाराज होगी। अरे तुम बैठो तो सही। दे 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 मेरे को दे दे। आ गया मैं, आ गया स्टील का डिब्बा लेके आ गया। ऐलान कर दो, ऐलान कर दो। अरे संभाल के चला आराम से यार, किसी को चोट लग जाएगी। तुम लोग रो क्यों रहे हो? एक दीदी ने हमें बेवकूफ बना के हमारे सारे पैसे छीन लिए, आप हमें हमारे पैसे वापस दिला दो। वो तुम्हारे गांव की है ना, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? क्यों भैया, आप क्यों नहीं बात कर सकते? आप तो बहुत अच्छे इंसान है। आइए ना भैया, आके हमारे पैसे दिला दीजिए प्लीज। कौन है वो, दिखाओ तो। ये है वो दीदी। आए, आए। अरे यार ये तो ऐसे उल्टी लेती है जैसे शराब वगैरह पी के लेती है। माँ, बोलो बेटा। क्या मैं तुम्हारा बेटा हूँ? तो तूने मुझे माँ क्यों कहा? ठीक है ठीक है, तुमने इन बच्चों को बेवकूफ बना के इनके पैसे क्यों छीन लिए? क्या मैंने बेवकूफ बनाया? मैं किसी को बेवकूफ नहीं बनाती, ये बच्चे खेल में हारे हैं इसलिए। खेल में? हाँ। तुम्हारी इन बच्चों के साथ खेलने की उम्र है? चुपचाप पैसे वापस करो। मैं नहीं दूंगी, तुम चाहो तो मुझसे जीत सकते हो। ठीक है, क्या खेलना है? मैं उल्टा लेटूंगी, तुम मुझे पलटाओगे। क्या तुम उल्टा लेटोगे और ये तुम्हें पलटाएगा? ये खेल तो ओलंपिक में भी नहीं है, ये कैसा खेल है यार, मैंने तो आज तक नहीं सुना। कितने का गेम है? 100 रुपीज। घूर घूर के क्या देख रहे हो, निकालो पैसे। अरे रे रे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। अरे अरे यार, पैसा तो एटीएम में चला गया, अब तो कार्ड डाल के निकालना पड़ेगा। ठीक है लेट जा। अरे भाई ये तो तुरंत लेट गई। ओके। ए नो 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 नो, अपस्टेयर्स नॉट अलाउड। ओके अलाउड अलाउड अलाउड। भाई ना? ये तो मस्त लेटी है। मस्त लेटी है? अरे धरती पकड़ के औलादे, क्या गांव की लड़की है, कर लोगे भैया आप कर लोगे? अरे यार क्या कर रहे है यार। अरे भाई आप भाले वाला खेल खेलते हो लेकिन आप इस लड़की को घुमा नहीं पा रहे हो।
भाई कुछ तो करो, बॉडी शेक बॉडी शेक। नो 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 नो, चले जाएंगे। चलेगा क्या? यस यस मू। अरे भैया भी दीदी पर लेट गए। मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी। क्या भाई, पलट के दिखाता हूँ बोल के बच्चों को एडल्ट सीन दिखा दिए। देखिए देवी जी, आप हार गई हैं, चुपचाप पैसे निकालिए, ले लो ले लो ले लो। मेरे को नहीं लगता देगी। तुमने चीटिंग की है, चलो उठो। अरे सुन, अरे ए क्या कहा इसने, कह दिया कि हमने चीटिंग की। ये बहुत भारी है, वड़ा पाव भर के रखा है खाने के लिए लगता है, वहाँ जाके देखता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, अंदर जाके चेक करता हूँ। अरे यार ये तो वजनी है और टाइट भी है, अगर इसमें सोने की बिस्किट होगी तो मैं तो अमीर बन जाऊंगा। अरे ये तो कोई हंस के मर गया। अरे अंधेरे में क्या कर रहे हो? चलो इधर आओ। स्टील के डब्बे को अंदर लेके क्यों गया था? एक नंबर करने गया था। तो डब्बे में कर रहा था क्या? नहीं नहीं, दो नंबर कर रहा था। क्या है, पहले तो एक नंबर की बात कर रहा था, अब दो नंबर की बात कर रहा है, क्या उल्टी सीधे बात करता है? सच बता क्या करने गया था? एक नंबर और दो नंबर दोनों। सुनो, टाउन में एक कत्ल हो गया है, सिर्फ धर मिला है, सर नहीं। अगर वो सर तुझे मिला तो मुझे बताएगा, क्योंकि मैं शक के बिना पे तुझे अंदर नहीं डालना चाहता। चल जल्दी घर जा, नहीं तो चल 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 चल, 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 चल। जैसे मैंने कहा था ठीक वैसा ही स्टील का डिब्बा लेकर आए हो। गलती करके तो कोई भी माफी मांग सकता है, पर आपने तो बिना गलती के इतने ताने सुने हैं और डिब्बा भी ले आए। ताना मानना जरूरी था। कहाँ गए ये? सुनिए सुनिए ना, मुझसे लिपटने के बजाय इस डिब्बे से क्या लिपट कर बैठे हैं? अपनी बहन को बुला ले, उससे लिपट कर सो जाता हूँ, एकदम मजा आ जाएगा। सोलो डांस तो होता नहीं तुमसे, और चले हैं ग्रुप डांस करने। ग्रुप डांस करेंगे। अरे स्टील का डिब्बा, अरे मेरा डिब्बा, मुझे तो संभाल नहीं पा रहे हैं। आइए आइए मास्टर साहब। नमस्ते मक्खन लाल जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, जरा कुर्सी लेके आओ जी। पिताजी सब ठीक तो है ना? आपकी कृपा से हम बहुत खुश हैं, यहाँ आसपास के बच्चों को लाठी चलाना सिखाकर नेशनल लेवल पर लेकर जा रहे हैं, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। इसमें तारीफ करने की क्या बात है, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा के उनका दिमाग बढ़ाते हैं और मैं इनसे लाठी चलवा के इनका शरीर मजबूत बनाता हूँ, बस। अब आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी अगर लाठी सिखा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मक्खन लाल जी। इसमें मेहरबानी की क्या बात है, मुझसे बड़ा खिलाड़ी मेरा बेटा है, ये सिखा देगा, मैं इसे भेज दूंगा, आप चिंता न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ ठीक है। पागल डॉक्टर, पागल डॉक्टर, मेरे पति ना पागल हो गए हैं, वो हर जगह स्टील का डिब्बा लेकर घूम रहे हैं, आपको उन्हें बचाना होगा डॉक्टर। मैं पागल डॉक्टर नहीं हूँ, पागलों का इलाज करता हूँ, इसलिए पागल का डॉक्टर हूँ। तुम बाहर जाओ, अपने पति को अंदर भेज दो। ठीक है पागल डॉक्टर। जाओ जाओ पागल औरत। अरे यार मैं देखूंगा तेरे को। आओ भाई आओ। क्या हुआ पागल पेशेंट? नमस्ते पागल डॉक्टर। आप क्या करते हैं? मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, मैंने वो नहीं पूछा। आप काम क्या करते हैं? कलेक्टर का काम करता हूँ। कलेक्टर है? हाँ, लाठी का खेल खत्म होते ही बच्चों से सबसे लाठी इकट्ठी करता हूँ, फिर उसमें मस्त तेल लगाता हूँ, फिर तेल लगा के और उसको कोने में रख देता हूँ, हुआ ना कलेक्टर का काम। ये तो बिल्कुल पागलों की तरह बात कर रहा है, इसे अपनी बातों में फंसाना पड़ेगा। ये डॉक्टर पागलों की तरह हंसता क्या है? मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ। तो क्या फ्रॉड हो? मुझे अपना फ्रेंड ही समझो। सॉरी डॉक्टर,
मैं मेल लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करता। पहले कंचन नाम की एक लड़की मेरी दोस्त है। कंचन तो भूतनी है, तुम्हारी उससे दोस्ती है? पत्नी और भूतनी में वैसे भी कोई फर्क नहीं होता। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप ये बात मेरी पत्नी को मत बताना। तुम फंस गए। अब जो मैं कहूंगा वो मानना पड़ेगा। हाँ मानूंगा ना। मैं तुम्हें गुड़िया दूंगा तो तुम क्या करोगे? मैं बदले में मुझे क्या दोगे? मैं आपको दादा बना दूंगा। स्टूपिड। मैंने तुम्हें गुड़िया दी तो तुम्हें मुझे पेंसिल देनी चाहिए, समझ गए? अरे मेरे बाप, सीधे सीधे बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। मुझे स्टील का डब्बा चाहिए। नहीं दूंगा। ये पागल मुझे दे नहीं रहा है, क्या करूं? अच्छा ये बताओ इसके अंदर क्या रखा है? बताना जरूरी है क्या? हाँ भाई मैं जानना चाहता हूँ। पक्का? पक्का। सच में? सच में। तो फिर देख लो। अरे क्या हुआ, ये डॉक्टर मुंह खोल के क्यों पड़ा है? उसको मैंने खोल के दिखा दिया तो उसकी ये हालत हो गई। तू क्या मुझे अपने अपने पति को पागल साबित करना चाहती है, अली बाग की औलाद? इसके साथ ये क्यों आ रहे हैं? भैया मैं अपनी सहेली से आपको मिलवाती हूँ। हे विजी, ये मेरे भैया हैं मोहन राम सिंह। ये बाप रे, ये तो इशारे कर रहा है। जो कुछ हुआ उसने अपनी बहन को तो नहीं बता दिया? हेलो। हाथ मिला रहा है, संभल के। अरे भैया क्या किया आपने, ये तो बेहोश हो गई। पानी 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 दे, पानी दे। उठो, जोर से पानी मारो भैया। हेलो तुम ठीक तो हो ना? विजी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना? उठो विजी। ओ तुम्हारे घर में इसे अनाज खिलाते हैं या सिर्फ बकरी का मटन खिलाते हैं? कोई इतनी जोर से सर टकराता है क्या? चल। अरे बीची ये टक्कर तो कुछ भी नहीं, मेरे भैया बकरे को एक बार टक्कर मार देना तो वो जिंदा नहीं बचता है। तुम कैसे बच गई ये तो आश्चर्य की बात है, मेरे पास वीडियो है दिखाऊंगी तुम्हें। बकरी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस मॉडर्न जमाने में तमिल लोग अपनी कला अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। आज की जनरेशन तक इसे पहुँचाने के लिए आज से हमारे स्कूल में लाठी के खेल को इंट्रोड्यूस करेंगे और ये सब्जेक्ट भी होगा। हमारे स्कूल के पुराने छात्र मोहन राम सिंह आप सबके टीचर बनके सबको लाठी का खेल सिखाएंगे। लाठी के खेल के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ। चलिए मैडम। यस सर। लाठी का खेल क्या होता है, आप में से कोई जानता है? ये एक लाठी है सर, इससे हम लड़ भी सकते हैं सर। और ये सेल्फ डिफेंस के लिए सर। ये बातें तो सब जानते हैं, कुछ और? हम लोगों का दूसरा हाथ। हाथ कैसे? और जब हथियार ना हो तो हमें सिर्फ हाथ ही बचाता है। अगर ये लाठी दोनों हाथों से चलाएंगे तो ये तीसरा हाथ बनकर हमारी रक्षा करेगी। पहले इस लाठी को समझो फिर आके खेलो। चलो आओ, तुम यहाँ सबसे बड़ी हो, चलो आ जाओ। क्या सोच रही हो, ये जमीन पर लेटकर खेलने वाला खेल नहीं है। चलो खेल सकती हूँ, आपसे शर्मिंदा ना हो जाऊं इसलिए गले लगाकर सिखाओगी क्या? क्या कहा? नहीं, लाठी में चाकू फंसाकर मारना सिखाओगी क्या? वो मैं यहाँ नहीं सिखा सकता, कभी अकेले में मिलो सब कुछ सिखा दूंगा। ए झुमका, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इसे क्यों पकड़ रखा है, छोड़ो जल्दी से। अरे यार, अरे मुझे दस्त एलर्जी है, छींक की प्रॉब्लम हो जाएगी। लगता है ये पढ़ी लिखी भूतनी है। भरोसा मत कीजिए, आपको बेवकूफ बना रही है। ए, इसे छोड़ दे।
ए भूत भगाने वाले, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं छोड़ सकते? अरे यार प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कैसी प्रॉब्लम? अरे सच पता चल जाएगा। क्या सच पता चल जाएगा? अरे तुम नहीं जानते, प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। ए, एक ही बात को क्यों रिपीट कर रही है? ये स्टील के डब्बे में क्या रखा है, खोल के दिखा। मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी। तू सीधी तरह पूछने पर नहीं बताएगी? कैसे भी करके भगा दीजिए महाराज। एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब जितना भी पैसा मांगेंगे, इनसे आराम से पूछेंगे तो ये नहीं जवाब देंगे। तुम सही बोल रही हो। इसके बाल पकड़कर इसका सिर पेड़ पर मारूंगा, तभी इसके अंदर का भूत भागेगा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। पेड़ में कीड़ा टूटेगा तो मुझे दर्द कैसे होगा? है कौन तू? मैं कौन हूँ ये बात छोड़ दे, लेकिन ये स्टील के डब्बे में क्या रखा है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जानते हो? शहर में बॉडी है और उस बॉडी का सिर इस डिब्बे में है। ये बात अगर मैंने पुलिस को बता दी तो 7 साल की जेल होगी और 8वें साल में फांसी चढ़ जाओगे। नहीं भाई, पुलिस को मत बताना, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। आप जो बोलोगे देता हूँ। तो सब कुछ निकालो। सब कुछ मतलब? सब कुछ निकाल, बोला ना। सब कुछ निकाल लिया ना। चलो इनको दे दो। ले लो, ले लो, ले लो, संभाल के रखना। आंखें बंद कर, एक आंख खोल कर देख रहा है। बंद किया ना। भाग गए क्या? चलो चलो, बस आ गई। सुनो, इसे तुम अपने गांव की तरह मत समझना। तुम नहीं सुधरने वाले हैं। यहाँ का मुखिया हूँ मैं। यहाँ लोगों को बैठो बोलो तो बैठते हैं, उठो बोलो तो उठते हैं। यहाँ मेरा राज चलता है, समझी? तुम नहीं बदलोगे। उनको बांट दिया है, अब इस गांव को भी बांटने आए हो। चमकार, नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। मैं ठीक हूँ। ये कौन है? ये मेरी धर्म पत्नी है साहब। हॉस्पिटल में ट्रांसफर लेकर के आ गया, अब अपनी पत्नी के साथ आराम से रहूंगा। सिर्फ पत्नी को साथ लाए हो, बच्चों को नहीं लाए? हमें अब तक कोई बच्चा नहीं है। मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे पता नहीं था। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ। चलो। अरे चलो ना भाग्यवान। बेचारी, मैंने गलती से पूछ लिया, औलाद ना होने का दुख उसके चेहरे पर दिख रहा है। जाने दो, तुमने जान के थोड़ी ना पूछा, वो लोग बुरा नहीं मानेंगे। सुनिए, ये मक्खनलाल जी थे ना? हाँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो? ये भाला का खेल खेलने वाले खिलाड़ी है, ये सब जानते हैं। तुम तो सब कुछ जानती हो। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। किससे बात कर रही हूँ? अरे हमसे नहीं कह रही, चलिए। हेलो रुकिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। नीचे उतर के बात करो। लाठी सिखाने वाले मोहन राम सिंह का बगीचा कहाँ है? तुम कौन हो? उनसे शादी होने वाली है, पति बुलाए तो पत्नी को जाना चाहिए ना। दिखने में तो बच्ची हो, ऐसा क्यों बोल रही हो? वो कैसे जानता है तुम्हें? वो हमारे गांव में लाठी का खेल सिखाते हैं, उन्होंने मुझे आने को कहा। देखो, अकेली लड़की को ऐसे ही किसी के बुलावे पे नहीं जाना चाहिए। जब प्यार करने वाला बुलाए तो डर किस बात का? प्यार करता है? अरे ये बातें खुद नहीं करते हैं, इस विषय में माँ बाप बात करते हैं। अरे रे, आप भी कहाँ माँ बाप की बातों में आ गई है, और आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। मेरे पति का बगीचा दिखा सकते हो या नहीं? तुम्हारे पति राम सिंह का बगीचा मेरे बगीचे के बगल में है, चलो दिखाता हूँ। सुनिए, पैदल जाएंगे तो पता नहीं कब पहुँचेंगे, गाड़ी में बैठो। बैठो, आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ। इधर बैठ जाओ। बैठिए ना। इसे कहाँ रखूं? चलो। रुको रुको बेटी, यह है मोहन राम सिंह का बागीचा, अच्छी तरह देख लो। ठीक है ठीक है, मेरे पति आ रहे हैं, आप लोग बुजुर्ग हैं, आप जाइए। पति देव, इन दोनों ने सवाल पूछ पूछ के मेरी जान ले ली। जानती हो कौन है ये? बगल के बगीचे वाले, मेरे माता पिता। सॉरी ससुर जी, सासू माँ, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था आप लोग कौन है, न जाने क्या क्या बक दे। माफ कर दो ससुर जी, प्लीज, जब तक आप दोनों माफ नहीं करेंगे मैं पैर नहीं छोड़ूंगी। हाँ, प्लीज माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। उठो उठो बेटी, अब उठ भी जाओ। अब तुम ही बता दो ये कौन है, कैसे जानते हो इसे, बता दो। पिताजी, ये शुभांगी की क्लासमेट है पिताजी। मेरे पिताजी का नाम धनराज है, XMLA। ओहो, तुम XMLA धनराज की बेटी हो। तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मोहन राम सिंह भाई मेरे फ्रेंड की बेटी है, पुरानी जान पहचान वाली है, इसे अच्छी तरह सिखाना। चलो पिताजी। अरे वहां खड़ी हो जाओ, वरना चाकू लग जाएगा। Thank you.
इस लाठी में चाकू लगा हुआ है, इसे यहाँ कस के पकड़ो। उधर क्या कर रही हो? अपना ध्यान उधर लगाओ। विजी कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ, बांध उंगली में। जादू भरी आंखों का छुरा, ओरी परी दिल पे ना फिरा। जादू भरी आंखों का छुरा, ओरी परी दिल पे ना फिरा। नजरें ये तेरी कातिल कातिल घायल कर हाय दिल मेरा। आजा मेरी बाहों में गोरी, मचल रहा है दिल मेरा। आजा गोरी आजा गोरी आजा, आजा गोरी बाहों में आजा गोरी बाहों में आजा गोरी बाहों में आ। जादू भरी आंखों का छुरा, ओरी परी दिल पे ना फिरा। जादू भरी आंखों का छुरा, ओरी परी दिल पे ना फिरा। होती है जवानी बड़ी जालिम ओ जालिमा। ओ मालूमा साजना, बिल्कुल सही बात है कही। ओ जाने जहाँ है आरज़ू, खो जाए आ यही हम कहीं। मैं हूँ रेडी लेके डोली, आजा मुझे ले जा। मेरे राजा लेके आजा बैंड बाजा। आजा गोरी आजा, आजा मेरी बाहों में तू आ। जादू भरी आंखों का छुरा, चल गया मुझ पे छुरा। जादू भरी बातों का छुरा, चल गया मुझ पे छुरा। खुशबू तेरी मेरी सांसों में गई घुल। होश मेरे सारे अब होने लगे हैं गुल। सर पे नशा तेरा मुझ पे भी चढ़ गया। चाल बदली मेरी जाने क्या कर गया। है रूबरू जो मेरे तू, आजा तुझे प्यार में। तुझको जो पाया मैंने तो हुआ मैं पूरा, तेरे बिना कल तक था अधूरा। जरा जरा आजा गोरी आजा गोरी आजा, आजा मेरी बाहों में तू आ। जादू भरी आंखों का छुरा, चल गया दिल पे छुरा। धड़का दिल जो तू है मिला, धड़का अरमा।
जादू भरी तेरी है अदा, ओरी परी हुआ मैं फिदा। जादू भरी तेरी है अदा, ओरी परी हुआ मैं फिदा। मोहन राम सिंह इधर आना बेटा। सब लोग आ रहे। सुनो, तिरुप्पम वल्ली में होने वाली लाठी खेल प्रतियोगिता में यहाँ से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ सब लोग मूर्ख हैं, उल्टा सुल्टा खेलेंगे और हारने पर भी हार नहीं मानेंगे, इसलिए यहाँ से कोई नहीं जाएगा, समझ गए ना? ये क्या है भाई, अगर हम ये टूर्नामेंट जीत जाते तो स्टेट खेलकर नेशनल तक पहुंच सकते थे, पर पिताजी ऐसी बात करके चले गए। वो जो कहते हैं कहने दो, पर हम जाएंगे, जीतेंगे और कप भी लेकर आएंगे। चलो। अरे सुनो बेटी, तुम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, अपने बेटे की शादी करवा दो, बहू घर में आएगी तो सारा काम संभाल लेगी। ये आप समझते, लेकिन मेरी माँ नहीं समझती ना। हाँ, लड़का बन के पैदा हो तो बस ऑर्डर करो और लड़की बन के पैदा हो तो सिर्फ काम करो। जाओ ना, तुम अपना काम करो ना, चलो जल्दी। तुम्हें समझाना, अभी तुम्हारी उम्र है शादी करने की। मैं ऐसी बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी शादी कब होगी? लाइए माँ जी, मैं ले जाती हूँ। उसकी बात भी सही है, बेटा बड़ा हो गया है, उम्र हो रही है, शादी करनी चाहिए ना, उसमें बुराई क्या है? बचपन से अपने बच्चों को पास में रखकर पाला है। बस पास ही रखो, शादी का मत सोचना। एक दिन भी इनको अपनी आंखों से दूर नहीं रखा है, इनके बिना मैं कैसे जी सकती हूँ? कोई नई लड़की बहू बन के इसे मुझसे अलग कर गई तो? देखो माँ, बच्चों का पालन पोषण करने से फायदा, इन सबको बूढ़े होने तक अपने ही पास रखोगे क्या? आने वाली बहू बुरी होगी यही सब माँ सोचेंगी ना, तो दुनिया में किसी की शादी नहीं होगी। वाह रे वाह, ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे 10 बच्चा पैदा करने वाली को तुम कल की लड़की समझाओगी। मैं भी 10 बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हूँ, पहले अपने बड़े बेटे की शादी तो कराऊं। हम भी लड़की देख रहे हैं, लेकिन लड़की तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। मेरी दीदी आपके बेटे के लिए एकदम सही रहेगी, हमारे घर आइए, मेरी दीदी के लिए इनका रिश्ता मांग लीजिए। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी और मेरे पति भी तो मानने चाहिए ना। ज्यादा सोचोगी तो खाना नहीं मिलेगा, नुक्स निकालोगी तो लड़की नहीं मिलेगी। ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। इलांजी इलांजी इलांजी, ये बस इलांजी जा रही है, चलो। उस बस से लिया था, इस बस में छोड़ दूंगा। क्या शेर भाई, हमेशा ये स्टील का डब्बा लेकर घूमते रहते हो, क्या बात है? अरे तुम भी तो हमेशा बैग लटका के घूमते रहते हो, मैंने पूछा तुमसे कभी? बात करने से तो अच्छा है इस दीदी से बात कर लूं। अरे चलो 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 चलो, इलांजी 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 वाले चलो चलो, बस निकल जाएगी। अरे क्या तू आते ही सर पे सवार हो जाता है। अरे अरे भाई साहब, पेपर में क्या लिखा है? भाई तुम बस में बैठते हो और अपना सामान भूल जाते हो और बाद में पुलिस को रिपोर्ट करते हो कि ये सब कंडक्टर के कारण हुआ है और हमें कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ता है। ये पकड़ वरना मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। देखा भाई साहब, ये सब किस्मत की बात है, जाओ। कहते हैं पैर से लिपटा हुआ सब बिना काटे नहीं छोड़ता, ये डिब्बे के अंदर का आदमी मेरे साथ क्या करना चाहता है पता नहीं। बहुत सालों बाद फंक्शन में हम लोग मिले, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। इन सब का कारण बेटी विजयलक्ष्मी ही है। अब किसी न किसी को तो कारण बनना ही पड़ता है ना। शुभ काम के समय घर में सिर्फ वेज खाना ही मिलेगा। अरे मंगनी में इतना दे रहे तो फिर शादी में क्या दोगे ये भी बता दो। हाँ, तेरा भिजवा देंगे। आप भी क्या आते ही बेटी को डांटने लग गए। अरे हम सब तो एक ही घर के हैं। अरे ये लोग तो बच्चे हैं, आपस में ऐसे करते ही रहेंगे। लड़की को बुलवाइए ना। कमाल है, ये अपना काम कभी नहीं भूलता। लड़की को बुलाओ भाई, दांत भी काटती हो कान। चलो चलो लड़की को लेके आते, चलो। नमस्ते। भैया ये मेरी दीदी है, अच्छी तरह से देख लीजिए। भाई संभाल के शांत रहो। वो बहुत अच्छा लड़का है। एक सेल्फी लेते हैं। मैं भी एक सेल्फी लेता हूँ। अच्छी लग रही हो तुम। हाँ विजी, हाँ चलो। बहुत अच्छी। <वाँ। laughs>
मैंने आज तक किसी भी लड़की को प्यार नहीं किया है, तुमसे कैसे हो गया पता नहीं। जिसे हंसना आता है उसकी दोस्ती शेर से भी हो सकती है पतिदेव। विजी एक मिनट लेट जाना। ए, क्या कह रहे हो? वो आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पलट के दिखाता हूँ। वो मैं उस दिन हार गया था ना, तो मन अभी तक बेचैन है। चल हट। अरे लेट जाना। हिम्मत है तो मोड़ के दिखाना। चल आ। बाप को बोल दो साबुन देगा मेरे को, बात करती है। अंकल ऊपर कपल रोमांस कर रहे हैं, जाकर ऊपर में रोमांस। हाँ जल्दी जाइए, मिस मत कीजिएगा। अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। क्या तुम प्लानिंग ही करते रहोगे? तुमसे नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ऐसी बात है। मोहन भाई ये अकेले अकेले बिस्तर में क्या हो रहा है? नीचे मंगनी चल रही, ऊपर सुहाग रात। ऐसा कुछ नहीं भाई, ये तो बस एक खेल है। मम्मी डैडी वाला खेल क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, ये अलग है। तुम्हारा नाटक मेरे साथ नहीं चलेगा। यहाँ जो हो रहा है ना, मैं नीचे जाकर सबको बताता हूँ। क्या भाई भाई कहते हो, सब काम साथ में करेंगे बोलते हो और अकेले अकेले यहाँ कर रहे हो? मैं अभी बताता हूँ सबको जाके। अरे अभी बताऊंगा सबको, सब पता चल जाएगा। ऊपर जो देखा अगर नीचे बताया, तुम्हारा राज सबको पता चलेगा। अरे नहीं ऐसा नहीं करना, वो स्टील का डिब्बा जल्दी से फेंक दीजिए। भाई वैसे इसके अंदर है क्या? इसमें हाँ। सुनो जो ऊपर कमरे में जो बात हुई ना, मैं नीचे नहीं बताऊंगा, और इस डब्बे के अंदर क्या ये भी नहीं बताऊंगा। चलो चल चल यहाँ से। चल ना, क्या कर रहे हैं? गंदी बदबू आती है। इस एरिया के लॉरी एसोसिएशन का नेता चुनने के लिए मैं नहीं मना किया था। जब तक दूसरा नेता नहीं आता, यहाँ का नेता मैं ही रहूँगा। हाँ, समझा? मुझे कुछ मत करना, मैं आपके खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। जो यमदूत से भी नहीं डरता होगा ना, वही मेरे खिलाफ खड़ा होगा। जा यहाँ से, बच गया तू आज। उसे मारना ही है, इसीलिए तो छोड़ दिया। लेकिन उसे मैंने ही मारा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रामा, तूने ये सुना क्या? टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए इलांची से लोग आ रहे हैं। वो लोग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मुझे पर दाव दोगे तो वो लोग भाग जाएंगे। हम यहाँ पानी पिला के उन लोगों को घुमा देंगे। सही बात है। Yeah.
निकलो जल्दी से, भागो भागो। मैंने अच्छी तरह समझाया फिर भी तुम लोग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने चले गए हैं? वहां से कब लाके उसे खाना है क्या? सुनो, कुछ गलत हो गया तो तुम्हारे मां बाप को हम क्या जवाब देंगे? मोहन राम सिंह हर वक्त तुम्हारे बारे में पूछती रहती है तुम्हारी मां नलिनी, उसे क्या जवाब दूं बोलो? सुन लो, ये पहली और आखिरी बार होना चाहिए, आगे कहां खेलना है, किससे टकराना है, ये बात मैं बताऊंगा, समझे? ठीक है, किसी को कोई चोट तो नहीं लगी ना? तुम लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? बताओ क्या हुआ था वहां, बताओ। पिताजी, एक साथ कई लोगों को काट दिया। काट दिया? जिन लोगों को मारा वो अगर बहादुर हुए तो आमने सामने लड़ने आएंगे, डरपोक हुए तो पुलिस में जाएंगे। मैं अपने एमएलए से मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम लोग सबकी नजरों से बच के रहना, सब लोग कहीं जाकर छुप जाओ, जाओ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो बेटा, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। शेर को दफनाने के लिए ना ये जगह सही है, ये पूरी बॉडी के लिए 6 फीट चाहिए, पर सर को दफनाने के लिए तो 1 फीट ही काफी है। अरे रे रे रे, कोई कुत्ता सर निकाल कर पुलिस को बता दिया तो मैं अंदर हो जाऊंगा, 6 फीट खोद के सर को अंदर दबा देता हूँ तो CBI का कुत्ता भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अरे 6 फीट खड्डा खोदते खोदते तो मेरी जान निकल जाएगी लगता है, चोरी नहीं करनी चाहिए कभी। घबराना नहीं, मेरी मौत घबराने की वजह से ही हुई थी। क्या? मेरी पत्नी और उसका प्रेमी शेर मुझे मिलकर हंसते हंसते 2 टुकड़े कर दिए, अभी डर अस्पताल में है। अरे शेर को तूने रखा, तूने मेरा सिर संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद। तूने इतने दिन मेरा सर संभाल के रखा, मैं तेरे से बहुत खुश हुआ। आप क्या अपना हो? क्या तेरी अम्मा हो? दूसरा कोई होता तो मेरी बॉडी को पुलिस को लेकर दफना देता, पर तुम्हारी वजह से मैं हाथ में मन के घूम रहा हूँ, अब मैं उसे बदला लूंगा। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, भूत की मदद वो कर सकता है जो मरने वाला हो। हाँ जी हाँ जी, मैं उसकी फिल्म में भूत की एक्टिंग करके फेमस एक्टर बन जाऊंगा। ठीक है, शंकर महादेवन की तरह आप भी गाना गा सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं क्या? ऐसे दिन चेक कर दिन। ये दोनों तो मुझे नहीं आता। आप चिंता मत करो, मैं आपको सिखाता हूँ। रेडी? हाँ। 1 2 3 4 नमस्ते। आपके बेटे का नाम मोहन राम सिंह है? इस मिट्टी में एक मोहन राम सिंह नाम का शेर है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या काम है उससे? ये क्या है, आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। त्रिवर्णी वैली में आपके बेटे और उसके साथियों ने गांव वालों को बेरहमी से काट डाला, और आपको पता नहीं है मार खाए हुए लोग हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आपका बेटा बहुत बड़ा गुंडा है क्या? कहाँ है वो, बुलाइए उसको और उसके साथियों को। वो नहीं आएगा। अगर वो खुद सरेंडर करेगा ना तो उसकी बॉडी का सारा हिस्सा ठीक रहेगा, वरना कब उसका एनकाउंटर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। भीड़ कंट्रोल करने के लिए हवाई फायर करते हो, उसकी परमिशन भी कलेक्टर से लेनी पड़ती है। बड़ी आसानी से कह दिया कि सबका इनकाउंटर कर दूंगा, वो सब कौन है जानते हैं? मेरे रिश्तेदार मामा जीजा के बच्चे हैं। इस गांव में करीब 2000 परिवार हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सिर्फ खाना अलग अलग पकाते हैं और सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब आप जाइए, अपने बेटे और उसके साथियों को मैं खुद लेके आऊंगा। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तुम्हारा नहीं सरकार का नौकर हूं। उन लोगों को कहां छुपाया है, बाहर निकालो उन्हें।
नहीं तो उनकी जगह तुम्हें अंदर कर दूंगा। ऐसा घूर क्यों रहा है? खुद को वीरप्पन समझता है क्या? बड़ी बड़ी मूंछों से मुझे डरा देगा? तेरी मूंछ उखाड़ लूंगा मैं। उसे बांध कर मारो। बांधो इसको। छोड़ मुझे। पुलिस वाले को पर हाथ उठाता है ना? हाँ? चल। मोहन राम सिंह भाई, आपके पिताजी को पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। पिताजी, आप ठीक तो हैं ना? तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? ए, मेरे पिताजी बहुत बहादुर हैं, और मूंछ तो हर मर्द की शान होती है। शेर की ताकत जबड़े में होती है, हाथी की ताकत उसके सूंड में होती है, और सांप की ताकत है उसका जहर। मेरे पिताजी की ताकत उनकी मूंछों में है। मेरी माँ ने मेरे पिताजी की मूंछों को देख के ही उनसे शादी की। हमारे पिताजी का सम्मान हमारी नजरों में भगवान से कम नहीं है। देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, पंडियान, महावीर, पुलिथेवन तक सभी ने मूछ रखकर लड़ाई लड़ी। क्यों? आजाद भी मूछे तान के अंग्रेजों से लड़े और उन्हें भगाया। ऐसे वीर की मूछ पर तुमने हाथ डाला, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ काटा। जो हाथ काट सकता है वो सिर भी काट सकता है। आइंदा मूछ रखने वालों की मूछ पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है, यही बताने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ काटा। भागो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ सबको बताना है। आ जाओ। शाबाश बेटा, तुम शेर हो, इसे ही वीर कहते हैं। एक कुत्ता भागे तो सारे गांव के कुत्ते भागने लगते हैं। मेरी मूछों पर हाथ डालने वाला पुलिस वाला सारे गांव वाले पर हाथ डालेगा। मूछों पर हाथ डालने वाले की सजा क्या होनी चाहिए, ये सारे गांव को पता चलना चाहिए। चलो। अरे चलो चलो। अरे 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 वो लोग हमारे सामने आके नहीं लड़ेंगे, इससे पहले कि पुलिस हमारे गांव में घुस के चारों तरफ फैल जाए। मेरे परिवार के साथ 15 परिवार के सभी महिला पुरुष इस गांव से गायब हो जाइए। गांव में बचे बाकी मर्द गांव छोड़कर चले जाएं, वरना पुलिस कोई न कोई केस बनाकर आपको अंदर करा देगी। बाद में पुलिस केस कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। कुछ ही दिनों की बात है, मैं वकील से बात करता हूँ। जितना भी पैसा खर्च होगा मैं संभाल लूंगा। हिम्मत से निकलो, चलो निकलो।
किसी ने पुलिस वाले का हाथ काट दिया है। जितने भी पुलिस वाले लगे बुला लो, उस गांव में कोई नहीं बचना चाहिए, सबको अरेस्ट करो। सर ये आसान नहीं है, उस गांव के लोग बहुत खतरनाक है। हाँ सर, वो लोग किसी से नहीं डरते हैं। इलाजी जाना है तो 10 गांव को पार करके जाना पड़ेगा। सर पूरे रास्ते को उन्होंने पत्थरों से ब्लॉक कर दिया। फिर भी गए तो न जाने कितने पुलिस वालों की जान जाएगी, हम लोग परिवार वाले हैं सर। सर नमस्ते, मैं एसपी बोल रहा हूँ। ठीक है सर, कौन है सर? यस सर, वेरी गुड सर, तुरंत भेज दीजिए सर। थैंक यू सर। तुम लोगों से नहीं होगा ना, आ रहा है अशोक पांडे आईपीएल। Remove the hand, sir. सर नमस्ते सर, मैं इस गांव के अस्पताल में काम करता हूँ। इस गांव में जंगल राज चलता है क्या? नहीं, इस गांव में जितने भी मर्द हैं सबको वैन में डालो। सर पुलिस को काटने वाला मोहन राम सिंह और उसके पिता मक्खनलाल सभी गांव से कहीं गायब हो गए हैं। मोहन राम सिंह के साथ 15 परिवार के सभी मर्द औरत बच्चे गांव छोड़ करके कहीं चले गए हैं साहब। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस के डर से गांव के जितने भी मर्द थे सब के सब कहीं छुप गए हैं साहब। उन 15 घरों में पहरे लगाइए, गायब हुए लोगों के बारे में पता चले तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मामा जी यहाँ हैं? चलिए मिलाता हूँ। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। क्यों, हम सबको पुलिस में सरेंडर करने की सलाह देने आए हो? तो सुन लो, हम सरेंडर नहीं करेंगे। मैं उसके लिए कहने नहीं आया मामा, एक खास काम के लिए आपके गांव में गया था। हमारे घरों के आसपास पुलिस पहरा दे रही है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे लोगों में 30-40 पुलिस और वकील बने हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ये केस हम जरूर जीतेंगे। मामा आपके लिए कुछ लाया था, ये लीजिए मामा। ठीक है, चलता हूँ मामा, फिर मिलूंगा। हाँ चलो। क्यों मक्खनलाल, बड़े घबराए हुए रहते हो? अभी तो तुम्हें और भी दुख झेलने हैं मक्खनलाल। तुमने बड़े प्यार से अपने तीनों बच्चों को पाला है, उसमें से एक बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। आप लोगों को एसेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? सबसे पूछताछ कर ली। जैसे मुर्गी अंडे को छुपाकर हिफाजत करती है, वैसे ही उनकी हिफाजत गांव की महिलाएं कर रही हैं सर। एक्यूज कभी भी हमारी आंखों के सामने नहीं रहेगा, हमेशा हमारी पीठ के पीछे रहेगा। नमस्ते सर, इस गांव के 11 सेकेंडरी धनकाशी में +2 में पढ़ रहे हैं और 10 सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। मक्खन लाल की बेटी भी धनकाशी में स्थित वेंकटेश मारुति लेम हायर सेकेंडरी स्कूल में +2 में पढ़ रही है सर। और सर आज एग्जामिनेशन के लिए हॉल टिकट मिल रहा है सर, अगर आप वहां जाएं तो उस लड़की को वहीं पर अरेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद सभी सरेंडर हो जाएंगे सर। इट्स अ गुड आइडिया। एक और इन्फॉर्मेशन है सर, उस एरिया में जाने के लिए दूसरा ऑफिसर आ रहा है सर। वो आम आदमी नहीं है सर, सर बिन लादेन को पकड़वाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था सर। उनके काम करने की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वो पुणे यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ की भूख हड़ताल तोड़ा और उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली सर। इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में डॉक्टर की उपाधि पाने वाली वो पहले इंसान है सर। सर उनका नाम है डॉक्टर राजशेखर काला के सर। उनके कदम इस धरती पर पड़ने ही वाले हैं सर। क्यों रे
मुंह से झाग क्यों निकल रहा है बे? दौड़ कर आए तो उसे मुंह से नहीं कहीं से भी झाग निकल सकता है साहब। अभी तो घोड़ा भी थक गया है, इसे भी जूस पिलाना पड़ेगा। रेस में दौड़ने वाला घोड़ा जूस वगैरह नहीं पिएगा। शुरुआत तो आपने कर ली साहब। मोहन राम सिंह ने एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया और आप उसे पकड़ने आए हैं। आपको डर वर नहीं लगता है क्या? शेर कभी बिल्ली से डरता है क्या? बिल्ली वाले एरिया में चूहे के बच्चे पैदा होते हैं क्या? और अगर पैदा हो भी जाएं तो बचेंगे क्या? चूहों को क्या इंस्पेक्टर? एनकाउंटर कर दूंगा, चुपचाप आगे चल। वहां देखो, यहाँ पढ़े लिखे आदमी भी है, यहाँ कोई गलती नहीं हो सकती। 20 साल पहले कमल हसन ने कहा था फिल्म में कि पढ़ो पढ़ो, उसी में भलाई है। ये तो बहुत जोर से पढ़ रहा है। नहीं केवल बैठे रहो, अपनी जगह पे शांति से पढ़ रहा है भाई। केवल पढ़े लिखे लड़कों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ यार। भाई अभी तक तुम क्या क्या पढ़ चुके हो? सर रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, एज नानुरु, पूरा नानुरु, सीलापथी, करम मनी, मोगलाई, शिवाली, चिंतामणि, वालायपथी, कवनडाली, पूंजीप्रिया, पूरा धम, धनरम, बस इतना ही पढ़ पाया हूँ सर। भाई तुम तो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम तो दुनिया को पढ़ा सकते हो भाई। अभी तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो? सर अब्दुल कलाम साहब की अग्नि सीरा गोकुल। भाई भविष्य में तुम अग्नि मानव बन के रहोगे भाई। गाँव वालों की कोई गलती नहीं, पुलिस वालों की गलती रही होगी। पुलिस जिसे ढूंढ रही हो मोहन राम सिंह, उसे ढूंढ कर ही रहेगी। वैसे भाई मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ एक सेल्फी लूँ। सेल्फी क्या सर? अरे फोटो खींचना है मोबाइल पे। ठीक है सर। हाँ। खचका। भाई इसमें एक अपना ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। पढ़े लिखे लोग आज बचे ही कितने हैं, और जो पढ़ने वाले हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। पढ़े लिखे लोगों से मिलने का मजा ही अलग है। ये लीजिए सर। थैंक्स भाई, थैंक्स। तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे सर। ये कलाम साहब की बुक पढ़ रहे हैं, इन्हें तो एक जोरदार सलाम बनता है सर। पावरफुल सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। चलता हूँ भाई। चलिए। यस सर। कैच इट। टा बा यार। ये क्या था? चॉकलेट खा के दांत साफ कर रहे सर। शट अप सर, ये मेरा मैनरिज्म है सर। एक बार जब मेरी पोस्टिंग आंध्रा में थी, उस वक्त बाहुबली की शूटिंग में मेरा स्टाइल देख के रख लिए थे सर, पर इसका ओरिजिनल राइट्स मेरे पास है सर। आई एम राजशेखर कालाकेशर सर। क्या आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मोहन राम सिंह का एनकाउंटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए ये स्पेशल ऑफिसर है। ये है उनका अपॉइंटमेंट लेटर सर। सर वो मोहन रामलिंग कोई भी पहाड़ या सुरंग में भी छुप जाए, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा सर। अगर वो पानी में छुपा रहे तो मैं पानी के अंदर जाकर उसे सर से पकड़कर बाहर ले आऊंगा सर। वो दुनिया के किसी कोने में छुप जाए मैं उसे पकड़ लूंगा, क्योंकि आई एम डॉक्टर राजशेखर कालाकेसर सर। तुम्हें किसने डॉक्टरेट की उपाधि दी? सर वो तो एक ऐसे ही स्टूडेंट से मिल गया था सर। व्हाट इज माय नेक्स्ट ऑपरेशन सर? ज्यादा दम मत लगाना वरना तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेट्स गो सर। तो फिर मैं अपनी व्हीकल लेके जाता हूँ। yes, सर ये खुद घोड़े पर बैठते हैं और मुझे साथ में दौड़ाते हैं। नो प्रॉब्लम सर, हॉर्स वहाँ है लेकिन हॉर्स पावर यहाँ है। चलिए सर। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक एग्जाम के लिए हॉल टिकट क्लासरूम में दिए जाएंगे, जाइए और कलेक्ट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अशोक पांडे, इस एरिया का डीएसपी हूँ। आप भी जानते होंगे आपके स्कूल के लाठी टीचर मोहन राम सिंह के बारे में। हाँ जानता हूँ। हम उसे अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं सर, वो अभी तक अंडरग्राउंड है। अगर आपकी परमिशन मिले तो हम उसकी बहन शुभांगी से पूछताछ करना चाहते हैं। एक मिनट, आप जरा ऑफिस रूम में आइए। ओके सर। बोलिए सर। शुभांगी कुमारी को भेजिए। आज वो स्कूल नहीं आई सर। हॉल टिकट लेने के लिए भी नहीं आई। अभी अभी उसका भाई आकर हॉल टिकट लेकर गया है सर। सारे गेट क्लोज कर दीजिए, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। yes, sir. हमारी नजरों से कोई बच के ना जाने पाए। यस सर। हे बॉय, कम ऑन। ये तो रिवर्स गियर में आ रहा है सर। एक मिनट रुक जा, हैंड ब्रेक लगाता हूँ। अब तो वही हो जो लोगों के बकरे संभालते वक्त पढ़ाई करता है। जी हाँ सर, मैं वही हूँ। आप वहाँ भी यूनिफॉर्म में थे, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म में है। एक दिन आप टैलेंट की वजह से डीएसपी बनेंगे, लेकिन आप यहाँ कहाँ जा रहे हो भाई? एक नंबर जा रहा हूँ सर। एक नंबर? वो तो बहुत लोग जाते हैं, आप भी जाइए, चार पैकेट भर के आइए, आराम से जाइए। जाइए आप एक नंबर में जाइए, हम आगे जा करके मोहन राम सिंह को पकड़ेंगे। यस केवल। यस सर। ड्यूटी पर ध्यान दो। सुनो, ये किसने वॉचमैन को अंदर भेजा? सर 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 मोहन राम सिंह दिखा क्या सर?
अभी इस तरफ कोई गया है क्या? सर हवा भी अंदर नहीं जा सकती जब तक कि हम दोनों यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। सर एक मुजरिम कैसे हमारे सामने से जा सकता है? सर सिर्फ एक स्टूडेंट इधर आया था, गिड़गिड़ा रहा था कि उसे बहुत जोर से एक नंबर आई है, उसे जाने दिया है बस सर। व्हाट नॉनसेंस, बुलाओ उसे। वो तो एक नंबर गया है सर। जाओ उसे जल्दी बाहर बुला के लाओ, जाओ। ओके सर। यहाँ गया है सर। अरे वो आएगा सर, नहीं। पंप मशीन भी ऑन करो तो पानी आने में थोड़ा टाइम लगता है सर। वो अपना काम करके आ जाएगा सर। इरिटेटिंग फेलोस। सर वो इतना कुछ कह के चले गए और आप चुपचाप सुन रहे हैं सर। अरे वो रेडियो की तरह बसते हैं, जरूरी नहीं उनके हर बात पे ध्यान दो। लेकिन वो हमारी बात नहीं मानेंगे। अंदर जाइए, आइए। बाहर खड़े खड़े बकवास क्या कर रहे हो? जाओ। स्टूडेंट घबराना नहीं, आराम से अपना काम करके जिप बंद करके आराम से बाहर आ जाओ भाई। काला के सर, उससे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो? बाहर निकलो। सर अरे बाप रे, यहाँ तो यहाँ से पूरा ओपन है, यहाँ से तो पूरा सामने का मैदान दिख रहा है सर। शिट, वो यहाँ से भागा। सर एक्चुअली स्टूडेंट क्लास बंक करके शायद इसी रास्ते से भागते होंगे सर। आप इसे बड़ी बात मत समझना, क्योंकि आप भी लोग कभी क्लास बंक किए होंगे सर। वैसे ही क्लास बंक करने वाले बड़े आदमी बनते हैं, ऐसा किसी ने कहा था। तुम दोनों के मजाक लग रहा है, देख लूंगा तुम दोनों को। इडियट्स, इडियट्स। ये क्या सर, वो डांट करके चले गए और आप आराम से चुपचाप खड़े हैं यहाँ पर सर। कौवे ने गैस छोड़ी, उसके कारण समुद्र की लहरें डिस्टर्ब हो गई। किसी ने मुझे कंफ्यूज करने के लिए ये लिखकर भेजा था, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा और मैं यकीन भी नहीं करूंगा। वो झूठ बोल रहा है, वो तीनों मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे। विजय, पुलिस आ गई, हमें निकलना पड़ेगा। सिर्फ 6 महीने पुलिस की ट्रेनिंग ली है, लेकिन मैं जब 6 साल का था तब से लाठी की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। इस मिट्टी में पैदा हुई लड़की को तुम नहीं पकड़ पाए तो मुझे कैसे पकड़ोगे? ए, हम जंगल में रहने वाले शेर हैं। मोहन राम सिंह की वीरता और दिमाग दोनों देख लिया, लेकिन उसका गुस्सा अभी तक नहीं देखा। मैं चाहूँ तो अभी तेरा गला काट सकता हूँ, लेकिन काटूंगा नहीं, क्योंकि मैं मूछों का सम्मान करता हूँ। चल विजय। दौड़ा दौड़ा के पीछा किए थे, लेकिन तुम लोग मोहन राम सिंह की शक्ल भी नहीं देख पाए। पुलिस वाले का हाथ काट के टांग दिया, पुलिस वाले को पानी पिला दिया। हाथ काटते वक्त जो पुलिस वाले साथ में थे वो मेरे साथ आने से डरते हैं।
अभी तक मैंने उसका फोटो तक नहीं देखा। ए, तुम्हारे पास उसका फोटो नहीं है? नहीं सर। तो भी मना कर दोगे? उसके घर में उसकी फोटो जरूर होगी, जाके लेके आओ उसे। सर आपके आते ही घर को तोड़ फोड़ के रख दिया, अब उसकी फोटो कैसे मिलेगी सर? क्यों, वोटर लिस्ट में भी नहीं है क्या? सर वोटर लिस्ट मिल गई सर, ये लीजिए सर। ये नाम तो यही है। ये तो ये है सर। नहीं 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 सर, मैं नहीं, इलेक्शन कमीशन गलत फोटो छपवाते हैं सर। के राजेंद्र के घने घने बाल थे सर, उसकी जगह एक टकले की फोटो छपवा दी थी सर। और तो और हमारे गांव में सर चपरासी की फोटो की जगह कलेक्टर की फोटो छपवा दी थी सर। अब किसी की भी फोटो छाप देते हैं सर। सो इट इज अ प्योर टाइप ग्राफिकल एरर एंड टेरर ऑफ इलेक्शन कमीशन सर। शादी हुए कितने दिन हुए? 15 दिन हुआ है सर। शादी का एल्बम लेके आओ। जाओ लेके आओ। जाओ। क्या रे, ये गांव की शादी की एल्बम मंगा रहे हैं क्या? खुद के लिए लड़की देखना चाह रहे हैं? अब वो लड़की देखे या मुर्गी देखे, वो जो कर रहा है उसे करने दीजिए सर। आप अपना मुंह बंद रखिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यू सेड समथिंग। इस देश में गंगा बहती है सर। ये लीजिए सर। इसमें कौन कौन है? ये उसकी माँ है, ये बाप और ये उसकी बहन है सर। मोहन राम सिंह कहाँ है? लगता है वो शादी में नहीं आया था सर। सर यहाँ के एक्स एमएलए धनराज की बेटी विजय लक्ष्मी से मोहन राम सिंह का बहुत जबरदस्त चक्कर चल रहा है सर, ऐसा पूरा गांव बोलता है। ये चूहा कैसे अपने बिल से बाहर आता है देखते जाओ। साहब है क्या? साहब अंदर है। बहुत जल्दी तुम्हारे साहब अंदर जाने वाले हैं। अरे बाप रे, धोती नीचे कर। जी। पुलिस वालों को इज्जत देनी चाहिए। आइए डीएसपी साहब, आप यहाँ आएंगे ये मैं अच्छे से जानता था। सर आप एक वीआईपी हैं, मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूँ। मोहन राम सिंह आपके घर में रहा है, मुझे ऐसी खबर मिली है। मोहन राम सिंह को सरेंडर करने के लिए कहिए, तभी वो जिंदा बच पाएगा। और अगर नहीं किया ना, तो उसे इनकाउंटर करने का भी ऑर्डर है हमारे पास। मैं उसका इनकाउंटर जरूर करूंगा सर। सर एमएलए साहब की लड़की ने 9003849894 नंबर पे फोन किया था, अब ये नंबर नॉट रीचेबल है सर। आखिरी बार उस नंबर का टावर किस एरिया में कट हुआ था? 1 मिनट सर, कृष्णा नगर सेक्टर नंबर 2 में कट हुआ था सर। ओके। सर वो लड़की अभी तक बाहर नहीं आई है। वेट करो, वो जरूर आएगी। सर वो लड़की बाहर निकली, वो जा रही है सर। कम ऑन बॉयज लिसन टू माय इंस्ट्रक्शंस सर। यस सर। अरे मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वो लोग पीछे क्यों चले गए? तुम लोग लड़की को फॉलो करो। यस सर, मैं पीछे की रोक चाहता हूँ। सर आप जिस तरह से आए, आपको देख करके लगा कि आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे सर। अरे बाप रे। लेकिन आप तो बिल्ली की तरह खड़े हो गए हैं सर, आपको देखकर मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ सर। चल रे पागल, वो ऐसे एक्शन करेगा कोई साधारण आदमी है क्या मोहन राम सिंह? सिंह छुप भी सकता हूं और मार भी सकता हूं, लेकिन कभी डरना नहीं जानता।
सर जैसे आए थे वहीं से वापस चलते हैं सर। नहीं केवल, अभी तक हम उस मोहन राम सिंह की पीठ देखे हैं, थोड़ी देर में हम उसकी शक्ल देखकर अपने ब्रेन में रजिस्टर्ड कर देंगे। यस सर। ये तो उल्टा लिटा कर घुसा मारता है सर। सर हमारी तरफ एक पत्थर आ रहा है सर। वो हमारी तरफ नहीं कहीं और जा रहा है। क्या हुआ सर, आप तो जमीन पर आराम से लेट गए सर। तू भी लेट जा। ओके सर। ये राजशेखर काला केसर जो भी करेगा वो एक आइडिया के साथ करेगा। कौन सा आइडिया? जैसे ही वो दौड़ कर आएगा और हमें क्रॉस करेगा, मैं उसकी शक्ल देख लूंगा और उसे पहचान लूंगा। सर आपने उसे देख लिया क्या? इतनी तेज हवा चली, फेस के अलावा बाकी सब कुछ दिखाकर चला गया यार वो तो। लेकिन सर आप तो उसका चेहरा देखने के लिए नीचे लेटे हुए थे सर। विजय तुम जाओ यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से। हे इधर आओ। साहब नमस्ते। साहब दौड़ क्यों रहे हो, कौन हो तुम? बकरियों के झुंड से एक गुम हो गई थी इसलिए दौड़ रहा था सर। कृष्णापुरम गांव कैसे जाना होगा? इस रोड से सीधे बस 2 किलोमीटर है सर। ठीक है गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठो। ये बताओ मोहन राम सिंह को जानते हो क्या? जानता हूँ साहब। वो बहुत बहादुर है क्या? बहादुर तो है लेकिन पीठ पे वार नहीं करता है। चूहा मार के नाम कमाने से अच्छा है कि शेर को मार के नाम कमाया जाए। साहब कृष्णापुरम आ गया साहब। ठीक है उतरो। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है सर। ए सुनो, वो तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे फोन करना। सर अपना फोन नंबर तो बताइए। 9-9-9-4-2-4-2-8-8-8-6-2-6-2-3-6-3-6। ठीक है सर। हेलो डीएसपी, तुमने मोहन राम सिंह को देखा है क्या? सामने दिख जाए सलूट मारना उसे। व्हाट्सएप ओपन करके देखो, वो शेर की तरह दिखाई देगा। दोबारा मेरे सामने आया तो गोली मार के छलनी कर दूंगा तुझे। तुम गोली मार के उसे पकड़ लोगे ये भूल जाओ, क्योंकि मैं बाघ हूं। काम हो गया। शेर साओ मैं हूं खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। शेर साओ मैं हूं खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। जो भी यहां मुझसे है लड़ा, सब में जमीन पे वो है बड़ा। जो भी यहां तुझसे है लड़ा, सब में जमीन पे वो है बड़ा। सेवर तेरे हटके उठाग जिसे पटके, पूछो पिताब देके तू जिए हर उठाग। शेर सा में खड़ा जिगरा। सर सर, मैंने मोहन राम सिंह को देख लिया है। ये है मोहन राम सिंह। इमीडिएटली इस फोटो का पोस्टर बना के पूरे गांव में चिपका दो। ओके सर। संभाल का सर, ये है मोहन राम सिंह। हम लोग गांव में घुसते उसे पकड़ सकते थे सर, लेकिन आपने उसे पढ़ने वाला जीनियस, भविष्य में डीएसपी बनेगा ऐसा बोल के सैल्यूट मार रहे थे सर, और मुझसे बोला कि तुम भी इसे सैल्यूट मारो। तुमने तो कहा था कि ये कलाम साहब की तरह है, आप भी सैल्यूट कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। प्लीज वो सेल्फी डिलीट कर दे यार। सेल्फी लेते समय तो आप एक से एक पोज दे रहे थे सर, आपने तो ऑटोग्राफ भी लिया था सर। ऑटोग्राफ
हो सके तो लड़ो, नहीं हो सकता है तो सिर्फ तमाशा देखो। ये क्या है मेरे भाई, ऑटोग्राफ से भी ज्यादा खतरनाक है ये तो, और साइन भी किया है मोहन राम सिंह। मैं तो निकाल सर, ये आपने क्या कर दिया सर? दरअसल सबूत मिटा रहा हूँ। हाँ, मोहन राम सिंह को पकड़ सकते हैं सर, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। ए, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत सहन कर लिया, लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो। अगर ये बात मैंने मोहन राम सिंह से कह दी ना, तो तुम्हें काट के रख देगा वो। जिंदा रहोगे तब मोहन राम सिंह से बात करोगे ना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए, रुको, ए, कहाँ भाग कर जाओगी, तुम्हें काट डालूंगा, रुको। भैया बचाइए मुझे, मेरा पति मुझे मार डालेगा। आपके बारे में पुलिस को बताने वाला मेरा पति है, वो हमेशा पुलिस को आपकी खबर देता है। इससे पहले पुलिस यहाँ है, आप सब यहाँ से भाग जाओ। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। भैया आप यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। सुनो, किसी भी समय पुलिस हमें घेर सकती है, सब लोग सावधान रहना, ठीक है? भाई क्या बात है? भाई गणेश की पत्नी आपसे मिलकर कुछ खास बात बताना चाहती है। ठीक है, उसे बुला। जी भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। अरे उठो, क्यों मेरे पैर पकड़ रही हो? उठो उठो। अरे उठो, बताओ क्या भाई साहब, मेरे पति आपकी खबर पुलिस को दे रहे थे। वो सरकारी अधिकारी अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? मेरे पति के इस पाप के कारण शायद ऊपर वाले ने मुझे इस जन्म में माँ नहीं बनाया। ऐसा क्या पाप किया तुमने? हाँ भाई साहब, 24 साल पहले आप अपने कुलदेवी के मंदिर में पूजा करने गए थे। सुनो रामा, मंदिर की जायदाद से 50 क्विंटल चावल और जो फसल होती है उसका इस्तेमाल आपका वंश करता है। अभी हम मंदिर बनाना चाहते हैं, वो खेत छोड़ दो। सुनो, मंदिर की जायदाद है, भगवान को हमसे मांगने दो, हम दे देंगे, लेकिन मंदिर की जमीन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझ लो। सुन लो, इस मंदिर में पूजा करने वाले 2000 परिवार यहाँ है, इन 2000 परिवार में से कोई भी मर्द का बच्चा है तो मेरे भाले का जवाब दे। अगर ये भाले का जवाब दे दोगे, उसके बाद जमीन की बात करेंगे। मैं हूँ भाई, ये मंदिर की जायदाद किसकी है? ये तुम्हारे बाप की जायदाद है, मेरे दादा के दादा की दी हुई जायदाद है। भगवान जो शरीर दिया है उसका कोई भाग खोना नहीं। पूरे आए हो, पूरे जाओ। कौन पूरा जाएगा और कौन आधा जाएगा ये बाद में देखेंगे, अगर मर्द का बच्चा हो तो पहले मेरा सामना करो। तो तेरे पैर काट दूंगा। मक्खनलाल, इस रामा के ऊपर वार करके तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा कान काटा है, मैं तुम्हारा गला काट डालूंगा। इलांजी के रहने वाले उस मक्खनलाल ने मंदिर की जमीन के लिए मुझसे झगड़ा करके मेरा कान काट डाला, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखो। इंस्पेक्टर साहब बाहर गए, अभी आ जाएंगे। FIR लिखो, बोलो ना। नहीं सर, बिना इंस्पेक्टर के FIR नहीं लिख सकते। ए वकील, यस सर, समझा इसको। ए, अगर हमसे दुश्मनी करी तो समझ लो जड़ से काट देंगे। ए, रामा, तुम्हारी मनमानी से हम लोग कुछ भी लिख दें क्या? FIR में एक भी लफ्ज लिखा तो तुझे कोर्ट तक जवाब देना पड़ेगा। क्यों भाई, आज तो तुम मंदिर के खेत के लिए लड़ रहे हो, कल मामा है जीजा है बोल के आपस में गले मिल जाओगे। मक्खनलाल के खिलाफ हम केस नहीं कर सकते, तुझ में हिम्मत है हा? तो जाके उसके कान काट।
वो आके तुम पर केस करेगा, उसके बाद मैं तुम दोनों पर केस कर दूंगा। कोर्ट में देख लेना, कानून की नजर में कोई भी कंप्लेन करेगा तो सिर्फ आप केस ही कर सकते हैं सर। रही बात खेत की तो हम कोर्ट में निपट लेंगे सर, बस पहले आप उसके खिलाफ केस फाइल कर लीजिए। अगर नहीं किया तो बता क्या करेगा? तो कैसे नहीं करेगा? रामा, तुम्हारी रगों में जो खून बह रहा है वही खून मेरी भी रगों में है। तुम जिस जाति के हो उसी जात का मैं भी हूँ। मैं तुम्हारा चमचा नहीं हूँ और इस बंदूक में गोलियां हैं। जला दूंगा तो चूर चूर हो जाएगा। मुझे और यहाँ के पुलिस वालों को काटने आए बोल के तुम सब लोगों पर केस बनाकर अंदर डाल दूंगा। समझ जाओ इंस्पेक्टर। तेरे गन की गोली भले मेरी खोपड़ी में घुस जाएगी, लेकिन रामा के एक इशारे पर तेरा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। एक हफ्ते में ये घाव ठीक हो जाएगा। एक हफ्ते में ये घाव भले ठीक हो जाएगा, लेकिन इस घाव की टीस पूरी जिंदगी रहेगी। ये दर्द कान में नहीं, मेरे दिल में है। मक्खनलाल की बीवी और इंस्पेक्टर की बीवी इस हॉस्पिटल में भर्ती हुई हैं। हमारे हाथ अच्छा मौका लगा है, उस इंस्पेक्टर को मजा चखाने का बहुत अच्छा मौका है। चारों तरफ पुलिस है, आप यहाँ से जाइए पिताजी। अरे जाइए ना। मालिनी। जी मामा। तुम्हें आज अपने मामा की मदद करनी है। मक्खनलाल को भी बेटा हुआ है, इंस्पेक्टर को भी बेटा हुआ है। तुम्हें एक काम करना होगा, मक्खनलाल के बेटे को इंस्पेक्टर की बीवी के पास और इंस्पेक्टर के बेटे को मक्खनलाल की बीवी के पास रख दो। आज अगर तुम्हारा परिवार खुशहाल है तो उसकी वजह मैं हूँ, ये बात याद रखना। कहीं बिजली गड़गड़ाई है ये सोचा था, लेकिन मेरे सर पर गिरेगी कभी नहीं सोचा था। ये गलती करके मैं बहुत सालों से घुट घुट के जी रही हूँ भाई साहब, घुट घुट के जी रही हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप हाथ मत जोड़िए भाई साहब, मैं पापी हूँ। इस राज को सिर्फ मैं या तुम ही जानते हैं, हमारे अलावा ये राज कोई नहीं जानना चाहिए। मैं अगर किसी ये को बात भी नहीं बताऊंगी भाई साहब, तो उसी से मैं वो अपनी जान दे देगी। इस गांव के लोगों के नाक पर गुस्सा रहता है, चलिए कहीं और चलते हैं। दिल्ली हॉर्स फोर्स से मोहन राम सिंह को पकड़ने के लिए घोड़े लाए थे ना? इस घोड़े को तांगे में लगाकर पैसे कमाएंगे सर, एक राउंड का 100 रुपए। काला केसर भाई, बाप रे, मुझे पकड़ने के लिए इस गांव में आए थे क्या? नहीं। हाँ, ये हाथ तुम्हारे बदन पे रहेगा तो तुम मुझे पकड़ पाओगे। ये क्या सर, आपको काटने के लिए आया था लेकिन आपके सामने हाथ जोड़कर चला गया। पीछे से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ आगे आकर देखो। आगे आ जाओ। हाँ, ये क्या सर, इन दोनों ने आपकी जान बचाई क्या सर? हाँ केवल, पहली बार इन्होंने आजादी के लिए आवाज उठाई थी और आज दूसरी बार एक वीर को शांत करने के लिए इन्होंने आवाज उठाई है। मैं इनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, यही हमें असली आजादी दिलाने वाले हैं, इन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद। ए, चलो चुपचाप चलो,
एक गुनाहगार की मदद करना कितना बड़ा गुनाह है जानती हो ना? मोहन राम सिंह और मक्खन लाल को अरेस्ट करना पुलिस की ड्यूटी है। इसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। Got it? तुम्हारी पुलिस, तुम्हारे गन से मैं नहीं डरने वाली। पानी पिला दूंगी तुमको। इस लड़की में बहुत चर्बी है सर। ए, चर्बी वर्बी बोला ना, थोबड़ा तोड़ के रख दूंगी। पुलिस के डर से वो लड़कियों की तरह छुपकर जिंदगी काट रहा है ना? असली मर्द है तो उसे सामने खड़ा कर। बोल उसे, बुला। ए डीएसपी, तुम में हिम्मत है तो पुलिस पावर कचरे में डालकर मोहन राम सिंह के साथ चाकू लाठी का खेल खेल के देखो। मुकाबले में मोहन राम सिंह का सर फट कर खून आ गया तो सिर्फ उस पर नहीं, मोहन राम सिंह के साथ 15 परिवार वालों पर भी केस बना लेना, जितने सालों के लिए चाहे जेल भेज देना। और अगर तुम्हारे सर से खून निकले ना तो केस वापस लेकर गांव छोड़कर चले जाना। हिम्मत हो तो मुकाबला करो। मैं तैयार हूँ। मुकाबला कब करना है मोहन राम सिंह से पूछ के बता देना। हमें जहाँ दिमाग इस्तेमाल करना है वहाँ दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, बट आप कैसे मोहन राम सिंह को संभालेंगे ये मैं नहीं जानता हूँ। सर, इस तुरुणवल्ली में कम से कम 3000 पुलिस वाले हैं और इसमें से 10 लोग लाठी का खेल भी जानते हैं। मैं उन 10 लोगों से लड़ूंगा। उन 10 लोगों से जीतने के बाद 11वीं बार मोहन राम सिंह से लड़ूंगा। सर, अगर डीएसपी साहब हार भी गए तो भी हम उसको अरेस्ट कर लेंगे सर। आप ये क्या बात कर रहे हो मिस्टर रामराजन? अगर आपने उसे अरेस्ट कर लिया तो लोग पुलिस के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लफड़ा करेंगे। आप 100 लोगों को गोली मारोगे क्या? हमें लफड़े को खत्म करने वाला बनना चाहिए। उसने पुलिस वाले का हाथ काटा, ये गलत है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में 75% मूछ वाले हैं। हमारे मूछ पर कोई हाथ डाले तो क्या हम चुप रहेंगे मिस्टर रामराजन? आपके साथ कोई ऐसा करता तो आप क्या करते? मिस्टर अशोक पांडे, सर, यू कैन प्रोसीड। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लाठी के खेल में तो मैं जीत गया, लेकिन भाला लाठी का खेल ही असली मुकाबला है। मैं इस खेल में एक्सपर्ट आदमियों से प्रैक्टिस लेना चाहता हूँ। सर, पता चल गया है, लॉरी रामा नाम का आदमी है। उसे तुरंत बुलाइए। यस सर। नमस्ते डीएसपी साहब। नमस्ते। मैं रामा थेवर हूँ, ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते। आप खुद को भाला लाठी के खेल में एक्सपर्ट क्यों कहते हैं? भाले का खेल साधारण खेल नहीं है डीएसपी साहब। ये बताइए, आप ये खेल क्यों खेलना चाहते हैं? किसी मुकाबले में जाना है क्या? हाँ, एक गुनाहगार से टकराना है। इलांजी के मक्खन लाल सिंह के बेटे मोहन राम सिंह ने एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया है, आप भी जानते होंगे। उन सबको अरेस्ट करना है तो मुझे इस मुकाबले को जीतना होगा और इस खेल में मैं जरूर जीतूंगा। सर फोड़ दूंगा उसका। मैं जरूर सिखाऊंगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों बेटा, तुम हंस क्यों रहे हो? उस इंस्पेक्टर सेतुराम ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखकर उस समय मेरी बेइज्जती की थी और उस मक्खन लाल ने मेरा कान काटा था। उनसे बदला लेने का समय आ गया है पिताजी। उस सेतुराम का पाला हुआ बेटा ही आज डीएसपी बना है। इस मुकाबले में टकराने वाले बच्चे एक दूसरे को मारना चाहते हैं, ये देखकर दोनों बाप तड़पेंगे। तुम कौरव और पांडवों से भी बढ़कर शकुनी हो। थैंक यू। हे भगवान, इस गांव की और मेरे परिवार की रक्षा करना। मामा,
उस डीएसपी को तिरुनवल्ली में लॉरी रामा दिन रात चाकू लाठी भाले का खेल सिखा रहा है, लेकिन जैसे आपने मोहन राम सिंह को सिखाया है वैसे कोई नहीं सिखा सकता। अच्छे खिलाड़ी का खेल हर जगह कामयाब होता है। अगल बगल के 18 गांव के लोग आपके साथ हैं। आप जीते इसका मतलब हम जीत गए। इन मूंछों में सिर्फ बाल नहीं, हर तमिलियन का मान भरा है। हम सब आपके साथ हैं। हो तो अपनी जुबान के पक्के रहो। आप क्या बोलते हो? मैं भी अपनी जुबान से कभी नहीं फिरता, सारे केस क्लोज करता हूं। वापस चलो। गुरु बस दिखाए जोर साथी चुनना वही रास्ता, होगी उम्मीदों की बारिश, वादा करो अपने आप से तो हर मुश्किल आसान बने। आगे आगे चल तू बेफिक्र होके, सुन मेरे मित्रा रे, पल पल हर पल सीने में हाँ रख के चले जा तू हौसला रे, हारेगा तू ना साथ दिया रे जो दिल में निश्चय किया, सुन मेरे मित्र भारे, तेरा
तेरी जिंदगी, आंखों में आंखें डाल तू, मौत को दे दे मात तू, होने ना दे तू कम कभी दीवानगी ये यार, आरंभ जो तूने है किया तो अंजाम भी कर दिखा, तूफान को भी कर दे हवा वो जज्बा दिल में जगा, रख के चल तू एक बवंडर दिल के अंदर, आगे आगे चल तू बेफिक्र हो के सुन मेरे मितवार, तेरा ही परचम लहराए हर दम रख यही हौसला रे। सम्मान से उठा के सर जी, बुराई के आगे कभी झुकना नहीं, प्यार जहां मिले वहां खिले बहार, प्यार से है बढ़ के कुछ भी नहीं, जी प्यार से शान से वीरा तूतान के सीना, भटके हुए को भी ओ यारा तू आके रास्ता दिखा, मौका हो जभी जभी नेकी तभी तभी कर, तू बेफिक्र हो के सुन मेरे मितवारे, तेरा ही परचम लहराए हर दम रख यही हौसला रे। हे हर कार्पेट पर लेटे हो, तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हो रही है क्या? अरे पीछे हो, बच्चे को देखने आए हो तुम, जिम्मेदार बाप की तरह पेश आओ, पुलिस वाले की तरह नहीं। नहीं ये आप थोड़ी देर बाहर जाओ, प्लीज गो आउट। कैसे हो बेटा? सर ये आपके लिए चिट्ठी है सर। टेक रेस्ट ओके, एक हफ्ते में ठीक हो जाओगे तो फिर ड्यूटी ज्वाइन करना। सिर पर चोट खाकर बेटा हार गया ये सोचकर दुखी हो रहे हो डीआई जी? डीएसपी अशोक तुम्हारा बेटा नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। हेलो, क्यों सेतुराम, डाउट हो रहा है क्या? हेलो, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? गोली मार दूंगा। ए, धमकी मत दो मुझे, जाओ टेस्ट करा कर देख लो, सब पता चल जाएगा। हेलो हेलो, आप टेंशन में क्यों लग रहे हैं? नहीं, कोई रास्कल अशोक हमारा बेटा नहीं है कह रहा है, कहता है कि डीएनए टेस्ट करा के देख लो। आप क्यों टेंशन लेते हो? अशोक हमारा बेटा है, जिंदगी में शक का जहर घुल जाए तो खुशियां चली जाती हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप चाहो तो टेस्ट करा लो, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। क्या करूं, दिमागी काम नहीं कर रहा है। यस, एज पर द डीएनए रिपोर्ट डीएसपी अशोक पांडे इज नॉट योर सन, वो आपका बेटा नहीं है। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो, तो मेरा बेटा कहाँ है? बताओ मेरा बेटा कहाँ है, बोलो ना मेरा बेटा कहाँ है। हेलो अब तुम्हें विश्वास हो गया ना? प्लीज
बताओ मेरा बेटा कहाँ पे है? तकलीफ हो रही है ना, तुम्हारी बीवी रो रही है ना, तड़प रही है ना वो। कौन है वो? इसी तरह मैं भी उस दिन तड़प रहा था। भाले के खेल में जो उस दिन जीता वही तुम्हारा बेटा है। हा? मोहन राम सिंह, जाओ जाकर मिल लो अपने बेटे से। क्या कहा, फोन पे क्या बोला वो? मेरा बेटा कहाँ है बताइए ना, मेरा बेटा कहाँ है? हमारे मोहन राम सिंह और मक्खन लाल जी पर झूठा केस बना के पकड़ने आए हो? प्रॉब्लम खत्म हो गई है, अब सारे केस वापस ले लिए गए हैं। अब यहाँ क्या लेने आए हो? आप लोग मक्खन लाल जी और मोहन राम सिंह की इज्जत करते हैं हम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ अपने किसी निजी काम से आए हैं। पहले रास्ता छोड़िए और मक्खन लाल जी से जाकर कहिए कि आईजी सेतुराम उनसे मिलने यहाँ आया है। हम उन्हें बुलाएंगे, मगर जो भी बात करनी गाँव वालों के सामने करनी होगी। ठीक है, बुला कर लाता हूँ। अरे बेटा। मामा जी। 24 साल पहले सिवालपेरी स्टेशन में इंस्पेक्टर सेतुराम नाम का एक आदमी था, अभी वो कहाँ पर है पता करके बताओ। पता करता हूँ मामा जी। साहब जी, आईजी सेतुराम आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। वक्त नजदीक आ गया है, जो बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए थी आज वो मेरी पत्नी को पता लग जाएगी। पापा, पिताजी, मेरी बात सुनकर आप घबराना नहीं। मोहन राम सिंह आपका बेटा नहीं है। दरअसल वो मेरा बेटा है। मेरा बेटा मोहन राम सिंह, मुझे सौंप दीजिए। मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए, मुझे लौटा दीजिए मेरा बेटा। सुनिए, मोहन राम सिंह हमारा बेटा नहीं है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। सुनिए, आप क्यों चुप खड़े हैं? और ये लोग कौन है? इनसे हमारा क्या रिश्ता है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कौन है ये लोग, बोलिए ना। भाई साहब, मैंने मोहन राम सिंह को जन्म दिया है, ये सच हम लोगों को अभी पता चला। एक दूसरा सच भी है जो आप नहीं जानते, हमने जिसे पाला अशोक पांडे, वो आपका बेटा है। मैं ये बात नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी ये बात। मोहन राम सिंह मेरा बेटा है, उसे जन्म देके 24 साल से पाला पोसा है मैंने, उसकी माँ सिर्फ मैं हूँ। देखो, तुम भी एक माँ हो, मेरे बेटे को ऐसे मांग रही हो जैसे कोई खिलौना हो। तुम जैसे सोच रहे हो वैसे मेरा बेटा खिलौना नहीं है, वो मेरा बेटा है, जान है वो मेरी। नहीं भाग्यवान, मोहन राम सिंह अपना बेटा नहीं है। मोहन राम सिंह इनका बेटा है, ये बात मैं पहले से जानता था, ये बात मैंने तुमसे छुपा के रखी थी। अगर ये बात तुम्हें पता चल गई तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, यही सोचकर इस बात को दिल में दबा के रखा था। बेटे को ढूंढने कोई नहीं आया, इस बात की भगवान से मैंने मन्नत मांगी थी। लेकिन वक्त
अपने बेटे को ढूंढते हुए अपने यहाँ आ गया, वक्त ने हमें नहीं बख्शा, आ ही गया। मैं इस गांव का न्याय करता हूँ, अभी मैं क्या करूँ। तुम ही बताओ क्या करूँ। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मेरे बच्चे को मैं। ये जो कुछ भी हुआ रामा का किया धरा है, उसने हमसे दुश्मनी निकाली है। रामा, रामा, रामा! Hey, मार डालो इसको। ये उस मक्खन लाल का असली बेटा है, जलाकर मार डालो इसको। मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहोगे ना बेटा? ए सुनो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, वहाँ जो खड़ा है वो तुम्हारा बेटा है। एक पल के लिए तुम्हारी बात मान भी लेती हूँ, पर मैंने बाला पोसा है, मैं उसे नहीं जाने दूंगी, मैं ही उसकी माँ हुई ना, मैं अपने बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगी। भैया आप हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज भैया हमें छोड़ के मत जाइए। पिताजी बोलिए ना भैया को, पिताजी, पिताजी,
पिताजी रोक लीजिए भैया को। हमारे बेटे को हमारे साथ जाने दीजिए, वरना कानून को जवाब देना पड़ेगा। मामी, इनकी बात सही है। कुछ भी हो, मोहन राम सिंह उन्हीं का बेटा है। आपने उसे अपने बेटे की तरह पाला है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। कोर्ट के सामने माँ की ममता नहीं जीतेगी, कानून ही जीतेगा। इसलिए बेकार की जिद छोड़ दीजिए, राम सिंह को जाने दीजिए। सुनिए, आप भी सुनिए, हे भगवान, जिनकी पूजा की वो भगवान भी मेरी बात नहीं सुन रहे। सुनो सुनो, कोई तो मेरे बेटे को जाने से रोक लो, उसे मत जाने दो। भाई साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। मोहन राम सिंह, हाँ? जाओ बेटा। हे भगवान, ये आपने क्या कह दिया जी? आप जाओ, अपने माता पिता के पास चले जाओ। पिताजी, बेटा चले जाओ। बेटा बेटा भैया जा, भैया मत जाओ, भैया मत जाओ, पापा बच्चे मेरे मत जा, पिताजी बच्चे मेरे। आओ बेटा, पिताजी क्या है बेटा? बस आखिरी बार मैं आपके सर से सर टकराना चाहता हूँ। राम सिंह, तुम्हें देखकर जो आज तक जिंदा है, ऐसी माँ को तुम छोड़कर कैसे जा सकते हो? मोहन राम सिंह, इस गांव का हर एक आदमी तुमसे दिल से प्यार करता है, उनके दिल को मत दुखाओ। मोहन राम सिंह, दिन रात जो मोहन राम सिंह, मोहन राम सिंह, मोहन राम सिंह कह के जिंदा रहती है, ऐसी माँ को छोड़कर तुम कैसे जिंदा रह सकते हो मोहन राम सिंह? गरीब के घर में पैदा हुए तो भी डरपोक नहीं, वीर की तरह जीना है, ये कहकर हमें लाठी का खेल सिखाया, और अब हमसे दूर जा रहे हो मोहन राम सिंह। हमारी कुलदेवी के यहाँ हमें मोहन राम सिंह लेके जाता था, अब हम किसके साथ जाएंगे? मोहन राम सिंह, सिर्फ मेरी खुशी के लिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। ये सारे लोग, ये तुम्हारे बिना दुखी हो जाएंगे, इनकी खुशी के लिए मैं तुम्हें यही छोड़े जा रही हूँ बेटा। तुम खुश रहना, खुश रहना, इनके साथ जाओ, जाओ बेटा। अशोक, अशोक, तुम हमेशा से ही हमारे बेटे रहे हो, तुम ही हमारे बेटे हो। मोहन, मेरे बच्चे, भैया, मेरे बच्चे। आ बेटा अशोक। शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। जो भी यहाँ मुझसे है लड़ा, सबने जमी पे वो है बड़ा। जो भी यहाँ तुझसे है लड़ा, सबने जमी पे वो है बड़ा। ऐसे वर तेरे हटके, उठाग जिसे फटके, पूछो पिताब देके, तू जिए पर उठाग। शेर साओ मैं हूँ खड़ा, जिगरा अपना बड़ा। शेर साओ मैं हूँ।
में सभी माने मुझे अपना सभी जाने मुझे अपना सभी जाने मुझे गाँव में सभी माने मुझे अपना सभी जाने मुझे अपना सभी जाने मुझे रंगटे